तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रिचार्जेबल सोल्डरिंग आयरन कैसे बना सकते हो, वो भी घर पर। तो यार इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना और आप सोल्डरिंग आयरन बनाना सीख जाओगे। लेकिन यार उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ और देखिए आप ये कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक सिरेंज ले लेनी है, सिरेंज के पीछे वाले इसको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको जो इस चीज़ को काट देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। काटने के बाद इसको अब हम क्या करेंगे, सैंड पेपर पर इसको रफ कर लेते हैं और इसको बिल्कुल अच्छा कर देते हैं। फिर इसको आगे से भी इसके छेद जो इसकी काट देते हैं। और काटने के बाद दोस्तों हमारे ये सिंपल तरीके का बन के तैयार हो चुका है। आपको लेना है 18650 बैटरी। अगर आपको नहीं पता ये कहाँ पर कैसे मिलेगी, दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाई है जिसे देखकर आप 9 रुपये में इस बैटरी को ख़रीद सकते हो। तो गाइस अब इस बैटरी पर जो है एक रेड वायर लगा देना है प्लस साइड। और दोस्तों एक इस मॉड्यूल को ले लेना है आपको, जो कि चार्जिंग मॉड्यूल है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो कमेंट करके जो हमको बता दीजिए, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो गाइस अब हम जो है इसके प्लस माइनस को सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद इस पर हमको जो हमारा मॉड्यूल है उसमें से प्लस माइनस को एक और लेना है और एक स्विच को जो है हमको एक सिरेंज में लगा देना है। लेकिन यार इसे लगाने से पहले इसे लगाने का तरीका जान लो। सबसे पहले आपको स्विच की दोनों पिनों को प्लायर से तोड़ देना है। तोड़ने के बाद अब हम इसको करने वाले हैं सिरेंज में सेट। वो सेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको सिरेंज में डाल देना है एक प्लस का ब्लू वायर। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दोस्तों सिरेंज में डालने वाला माइनस वाला वायर है और प्लस वाला वायर हम बैटरी पर जो है उसको हम बाहर निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हो हमारे स्विच के लिए माइनस के दोनों वायर हो चुके हैं और इस वायर पर हम स्विच को कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद अब हम स्विच को इसमें सेट कर देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों इसमें हमने एक छोटी सी चेंजिंग की है, वो है बैटरी की। इसकी ब्लू बैटरी की जगह हमने इसमें पिंक बैटरी डाल दी है क्योंकि वो वाली बैटरी हमारी डिस्चार्ज थी। अब दोस्तों आपको एक कॉपर का वायर ले लेना है मोटा वाला और इस वायर को आपको इतना सा कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। गाइजर अब आपको सिंपली इसके ऊपर की पॉलिश को उतार देना है, जो कि आपको रेगमाल से उतारनी पड़ेगी। पॉलिश को उतारने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर फाइबर स्लिप लेनी है और फाइबर स्लिप को भी आपको यूज करने से पहले इसको हम सोल्डरिंग आयरन की बिट बनाएंगे। इस वायर को आगे से हमको घुस देना है और दोस्तों ये हमारी सोल्डरिंग आयरन की बिट बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो फाइबर स्लिप आपने ली थी उसको हम इस बिट पर चढ़ा देते हैं और एक्स्ट्रा को हम कट कर देते हैं। और इतना करने के बाद आपको रेजिस्टेंस ले लेनी है और उसके ऊपर की पॉलिश को आपको एक ब्लेड से छुटा देनी है। इसको छुटाने के बाद दोस्तों आपको इसमें मिलेगी नाइक्रोम वायर, जो कि आपके इस वीडियो में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों अब आपको इस नाइक्रोम वायर को निकाल देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। नाइक्रोम वायर को निकालने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से पतली वायर मिलेगी। अब आपको इस बिट में आपको 3 राउंड देने हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसमें 3 राउंड दे दिए हैं। अब दोस्तों आपको दो कॉपर के वायर ले लेने हैं और उनको कुछ इस तरीके से एंड और लास्ट में कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में देख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से कॉपर के वायर को टाइट कर दिया है नाइक्रोम वायर के साथ। तो दोस्तों एक्स्ट्रा नाइक्रोम वायर को कट करते हुए हम इस पर फाइबर स्लिप चढ़ा देते हैं, जो कि हमारे 2 वायर बचे हुए थे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे ये वायर आपस में टच नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फाइबर स्लिप को ले लेंगे और इसके ऊपर राउंड कर देंगे, जिससे कि हमारे अभी हम इसको सेट करने वाले हैं उसमें एकदम से अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर इसको कट करने के बाद आपको एक ओल्ड सेल ले लेना है जो कि पुराना है। फिर इसको आपको ओपन कर देना है और इसके ऊपर की आपको प्लेट को निकाल देना है। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद इसको आपको एकदम से सीधा कर देना है और प्लायर से इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपको इसको फर्श पर रख के इसको जो है प्लायर से पीट पीट कर सीधा करना है, जैसा कि अभी मैं करने वाला हूँ। तो आप देखिए मैं यहाँ पर प्लायर से एकदम से इसको सीधा कर देता हूँ, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और सीधा करने के बाद दोस्तों आपको जो है इस तरीके से दिखेगा। और दोस्तों इसके बाद आपको एक पैन ले लेना है कोई भी और दोस्तों इसके ऊपर इसको राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। और दोस्तों जो एलिमेंट हमने बनाया था उस एलिमेंट को अब हम इसके अंदर सेट करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इतना करने के बाद हम एक और फायर स्लिप को लगाएंगे जिससे कि ये सपोर्ट बनेगी। दोस्तों जैसा मैंने किया है आपको भी सिंपली ऐसा ही करना है और देखिए आपका पूरा एलिमेंट बनके तैयार हो चुका है। अब ये 50% से इसमें ज़्यादा काम हो चुका है। अब
हम प्लस माइनस के इनके वायरों को जोड़ देते हैं अच्छे तरीके से। इस एलिमेंट में हमारा कोई प्लस माइनस नहीं है, आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो। और जोड़ने के बाद इस पर सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद आप हम इसमें टेप भी लगा देते हैं। टेप लगाने के बाद इससे क्या होगा, ये आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब दोस्तों ये हमारा जो एक्स्ट्रा लटक रहा है इसका भी हम इंतजाम करते हैं। इसके लिए आपको जो है MC लेनी पड़ेगी और इनको दोनों को अच्छे तरीके से मिलाकर इस पर हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब आपको जो है चारों तरफ से इस MC को लगा देना है, जिसके सूखने के बाद ये दोस्तों बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और देखिए ये हमारा सूखेगा तब तक इसको हम जो है बैक पैनल को सेट कर देते हैं। इसके लिए हम PVC को कट कर लेते हैं उसी के साइज का और इस पर जो है इंस्टेंट ग्लू लगाकर इस पर सेट कर देते हैं। दोस्तों इसको हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हम इसको करते हैं टेप से मॉडिफाई। वो देखिए आप, हमने इसके ऊपर टेप लगा दिया है। टेप से मॉडिफाई करने के बाद खतरनाक लुक सामने निकल के आ चुका है। अब इसमें हम चार्जिंग देखने वाले हैं, चार्ज होता है या नहीं। आप देख सकते हो इसमें रेड LED ग्लो हो रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो अब इसको हम निकालते हैं और इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों अब इसके स्विच को हम करते हैं ऑन और 10 सेकेंड के लिए रखते हैं। और दोस्तों 10 सेकेंड में ये बहुत हीट हो चुका है। चलिए अब इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने इस वायर को भी सोल्डरिंग कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको पेंसिल सोल्डरिंग बनाना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके देख लो।